आसना के जंगल में जुआ खेल रहे आधा दर्जन जुआरियों को कोतवाली पुलिस ने पकड़ा है। जुआरियों के फर से पुलिस ने 42,000 और 5 बाइक जब्त की हैं। जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली TI एमन साहू ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आसना के जंगल में जुआ फड़ चल रहा है, जहां पर घेराबंदी कर कार्रवाई की गई है। रेड कार्रवाई के दौरान 7 जुआरी जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़े गए, जिनके फड़ से और पास से 42,690 रुपए और नगद, 7 नग मोबाइल, 5 नग मोटरसाइकिल, ताश के पत्ते बरामद किए गए। पकड़ाए आरोपियों में मनीराम मौर्य पिता तांतीराम मीर निवासी फॉरेस्ट कॉलोनी, मंथन पुजारी पिता महाजन निवासी पुजारी पारा उलनार, पवन त्रिपाठी पिता संतोष त्रिपाठी निवासी सुमंद चौक, अभिषेक नेगी पिता BS नेगी निवासी पुलिस लाइन परपा, अंकित पटवा पिता राम संजीव पटवा निवासी हाट कचोरा, संदीप सिंह पिता स्वर्गीय रघुवीर सिंह निवासी अम्बेडकर चौक के पास नया मुंडा, वेद कुमार धनकर पिता MH धनकर निवासी 5वीं बटालियन कंगौली शामिल है। सभी 7 आरोपियों के विरुद्ध धारा 13 जुआ एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई है। जी सर, मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां सूचना प्राप्त हुआ था कि ग्राम आसना के जंगल में कुछ जुआड़ी जो है ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे हैं। और इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में रेड कार्यवाही हेतु टीम रवाना की गई थी और रेड टीम के द्वारा दर्शित स्थल पर रेड कार्यवाही किया गया। और इस रेड कार्यवाही के दौरान जो है 7 जुआड़ी मौके पर ताश के पत्तों से जुआ खेलते पकड़े गए, जिनमें अंकित पटवा, पवन त्रिपाठी और 5 अन्य सभी निवासी जगदलपुर हैं, और जिनके फड़ और पास से करीब 42,690 रुपये नकद, साथ में 5 मोटरसाइकिलें और 7 जो मोबाइल हैं वो मौके पर जो है बरामद किया गया है। और इस मामले पर 42,690 रुपये, 5 नग मोटरसाइकिल और 7 मोबाइल को इस मामले में धारा 13 जुआ एक्ट के तहत जब्त किया गया है। और इन मामलों में आरोपियों के विरुद्ध धारा 13 जुआ एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और इस मामले में अंकित पटवा, पवन त्रिपाठी और अन्य 5 को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और अभी यह मामला जो है थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है और इसमें जब्तशुदा संपत्ति की जो अनुमानित कीमत है करीब 2.5 लाख रुपये आंकी गई है।